है लड़का। सर आपका नाम? जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मैं बीएसएफ पूर्व जवान तेज बहादुर। आज जो ये अमरण अनशन हो रहा है, ये जवान है आर्मी के और अभी ऑन ड्यूटी हैं ये चंदू चौहान। तो चंदू चौहान मैं आपको याद दिला दूं, 2016 में पूरे देश की मीडिया में छाए हुए थे, जो हमारे देश के जवानों की जो हत्याएं हो रही जिस प्रकार दूसरे देश की तरफ से, तो ये एक जवान होने के नाते युवा थे, जोश के अंदर इनको बर्दाश्त नहीं हुआ और ये गुस्से में आके अपना राइफल उठाया और पाकिस्तान की पोस्ट की तरफ दौड़ पड़े बंदूक लेके कि मैं अपने जवानों की शहादत का बदला लूँ। लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ इनको अरेस्ट कर लिया गया। ये तीन महीने 20 दिन के करीब ये पाकिस्तान की जेलों में रहे, उसके बाद बाघा बॉर्डर से इनको भेजा गया। तो हमारे फोर्स के जो नियम कानून पूरा देश जानता है, ब्रिटिश के रूल हैं, वही सारा बदल गया, लेकिन रूल वही ब्रिटिश के। तो इनको फिर 90 दिन का क्वार्टर गार्ड दिया गया, सज़ा दी गई। उसके बावजूद भी इनको मेंटल हॉस्पिटल भेजा गया, इनको बार बार प्रताड़ित किया गया। तो अब ये चाहते हैं कि जो ये जांच है, जो मैं वहाँ गया, मेरे साथ ये अन्याय हुआ, इसकी CBI से जांच हो, ताकि एक जवान के पास एक आई कार्ड तक आज तक इशू नहीं किया गया, उस दोनों बातों को आज एक साल से ऊपर हो गई और अभी भी इनको प्रताड़ित कर रहे हैं। आखिर ये ऑफिसर चाहते क्या? मेरा तो अपना मानना ये है कि जो जवान इतने जोश में आके और पता है कि सामने मेरी मौत खड़ी है, दुश्मन देश है वो भी पाकिस्तान, और उसको चैलेंज करता अकेला, तो बहुत बहादुर होगा। जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए चैलेंज करता है दुश्मन को, ऐसे जवान को तो सेना मेडल मिलना चाहिए, बहादुरी का इनाम मिलना चाहिए। आपके कानून में कुछ भी, आप बदलिए अपने कानून को, कहाँ ब्रिटिश के कानून लेके घूम रहे हो। इससे तो जवानों का मोरल डाउन होगा, कल को तो कोई भी जवान गोली चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। उसको अगर उस कहेगा कि मैं बगैर आदेश गोली चला दूंगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी फौज मुझे क्वार्टर गार्ड डाल दे। तो ये बड़ा दुर्भाग्य देश के लिए है कि वो जवान आज अमरण अनशन के लिए और अपने हक की लड़ाई के लिए वो एक भीख मांग रहा है, अमरण अनशन पे बैठा है। और इनके बचपन में माता पिता भी गुजर गए थे और जितनी यातनाएं इन्होंने सहली आप चेहरे से देख रहे हो। जहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी जवानों के साथ दीपावली मनाते हैं और एक जवान यहाँ भूखा बैठा हुआ है, उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है, इससे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी, गृहमंत्री, रक्षा मंत्री और जो अपने जनरल साहब हैं, उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप जवान की समस्या सुनिए। और ये खुद जवान ये कह रहा है, अगर दी मैं गलत हूँ तो मुझे फांसी चढ़ा दीजिए, मैं तैयार हूँ, क्योंकि देश का जवान है। इसने तिरंगे के नीचे कसम खाई है, आपकी तरह नागपुर के झंडे के नीचे कसम नहीं खाया इसने, क्योंकि अपनी जी जान की कोई परवाह ना करते हुए और इसने बहादुरी का काम किया और उसको ऐसे प्रताड़ित करना, टॉर्चर करना गलत। तो सर क्या लगता है आपको कि अनशन पर बैठने से इंसाफ मिल जाएगा? अब गुंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अनशन पे बैठेंगे, नहीं अनशन पे होगा तो आंदोलन भी किया जाएगा, नहीं तो फिर भगत सिंह का रास्ता तो अपनाना ही पड़ेगा लास्ट समय, और क्या करें। आपको क्या लगता है कि जवान ने गलती करी है या नहीं करी है? देखो उस समय का जो माहौल होता है, क्योंकि उस समय मैं भी वहीं ड्यूटी में, तो हमें भी जोश आता था, गुस्सा आता था कि आए दिन हमारे जवानों के हेमराज का भी गर्दन उसे, देश पूरा देश गुस्से में। तो जवान नया जवान था, गलती की है तो ठीक है, उसकी सज़ा आपने दे दिया। लेकिन इसकी जगह पहले ऐसे केस हुए, एक दो अधिकारी दिए कि जिनको आपने सेना मेडल से नवाजा। इसकी गलती ये है कि एक गरीब परिवार का किसान का बेटा है, इसका गलती सिर्फ यही है। अगर दी ये कोई बड़ा अधिकारी होता था जिसे सेना मेडल मिलता, किसी बड़े घराने का, कॉरपोरेट घराने का, तो इसे सेना मेडल मिलता। इसकी गलती सिर्फ यही है कि इसने जो जन्म लिया है गरीब परिवार में लिया है और इसके खून में, रगों के अंदर देश हित की भावना, इसकी गलती यही है। राष्ट्र हित की इसके रगों में जो खून दौड़ रहा है वही इसकी गलती है। यही गलती भगत सिंह ने की थी, इसलिए आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिल पाया उसको ये देश जो है। मैं तो ये कहता हूँ इस देश का अंदर आज तक शहीदों को, जो हमारे देश के, उनको सम्मान नहीं मिला था, इस जवान का क्या सम्मान। तेज बहादुर जी, मेरा एक सवाल आपसे है कि जब जवान पाकिस्तान से इंडिया में वापस आ गया और जवान को कहीं पोस्टेड भी कर दिया गया, तो कोई ऐसा रूल भी है कि जवान को आई कार्ड न मिले और पोस्टेड कर दिया जाए? ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई ऐसा नियम कानून नहीं है। ठीक है उसने गलती की, आपने इंक्वायरी की, उसकी सजा वो काट चुका, लेकिन उसके बावजूद आप उसको मेंटल हॉस्पिटल भेजते हैं, उसको आई कार्ड नहीं देते, उसके मोबाइल नहीं देते हैं, उसको बेइज्जत किया जाता है। मान सम्मान के लिए तो वो देश की रक्षा में भर्ती हुआ है, वरना पैसे कमाने के लिए बहुत से धंधे हैं। वो सिर्फ अपने मान और सम्मान के लिए नौकरी कर रहा है, उसके मान सम्मान को आप ठेस पहुंचाओगे तो वो तो जवान बर्दाश्त। आपको क्या लगता है कि इसमें कोई राजनीति भी हो सकती है? ना बिल्कुल, राजनीति तो है ही, राजनीति तो हर जगह है। देखा ना पुलवामा हमले के नाम पर आज सत्ता में सरकार आ गई,
लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को ये नहीं पता कि वो शहीद नहीं थे, मारे गए थे, पैरामिलिट्री के जवान थे। तो ये तो राजनीति तो पूरे ही हो रही है, सारी फौज के अंदर ही आज राजनीति हो रही है। तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सरकार से यही गुजारिश करता हूँ कि एक जवान है, कि देश का सैनिक है, जिसके भरोसे आप सो रहे हो, जिसके भरोसे पूरा देश चल रहा है, इसको न्याय मिलना चाहिए। जो ये कहते हैं तो इनकी जाँच निष्पक्ष कराइए आप, ताकि हो सकता है इसके अंदर बहुत सी कुछ सुरक्षा चीज संबंधी है जो हम न्यूज के सामने नहीं बता सकते, ऐसे कुछ तथ्य हैं इसके अंदर, गहरा राज है, इसकी जांच करवाई जाए, नहीं तो जवान को न्याय दिलाए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।